हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी टेकी के एक और नए एपिसोड में। और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का पीएचपी वर्जन चेंज कर सकते हैं। अभी हाल ही में जो पीएचपी वर्जन 7 आया हुआ है, 7.1 एंड 7.2, तो यदि आप उसको लगाते हैं अपने सी पैनल से तो आपकी वर्डप्रेस की जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो कैसे आप उसे चेंज कर सकते हैं इस वीडियो के दौरान मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा अंत तक, ये आपकी वेबसाइट के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको क्या क्या करना है, क्या पूरा स्टेप्स हैं, मैं आपको सीधा बताने वाला हूँ। उससे पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि कोई भी समस्या हो तो आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताइए ताकि उस पर मैं आगे वीडियो बना सकूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे ऐसा करते हैं। ये देखिए, मैंने अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन किया हुआ है और यहाँ पे मैंने सर्च किया है पीएचपी कॉम्पैक्टिबिलिटी चेकर। अब मुझे जो सबसे पहला ये प्लगइन आया है इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब ये इंस्टॉल हो गया, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट करने के बाद चलिए देखते हैं कहाँ पे ये आएगा। ये रहा, यहाँ पे पीएचपी कॉम्पैक्टिबिलिटी चेकर जो है ये रहा। अब हम करते हैं स्टार्ट स्कैन, ठीक है। अभी देखिए, फिर मैं जूम आउट करता हूँ और हम इसको चेक करेंगे 7.1 के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो सी पैनल हैं जो फिलहाल होस्ट गेटर हो, चाहे ब्लू होस्ट हो या गो डैडी हो, वो 7.1 तक फिलहाल सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए अब चेक करते हैं प्लगइन और थीम स्टेटस। ये कह रहा है कि ओनली स्कैन एक्टिव प्लगइन्स एंड थीम, इसी को करते हैं स्कैन साइट पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। और अब देखिए, ये स्कैन कंप्लीट हो चुका है और हमारे पास यहाँ रिजल्ट्स हैं पीएचपी 7.1 के लिए। तो देखिए, ये मेरा एक प्लगइन था, एडवांस एड्स कॉम्पैक्टिबल है, न्यूज मैग कॉम्पैक्टिबल है, एक वार्निंग है, रहने देते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। टैग डिव कंपोजर है, ये भी कॉम्पैक्टिबल है, सोशल काउंटर भी कॉम्पैक्टिबल है। और ये जो है वेब क्राफ्टिक क्लियरफाई, इसको ये एक एरर दिखा रहा है और कह रहा है कि कॉम्पैक्टिबल नहीं है। तो यदि ऐसा कोई प्लगइन है जो कॉम्पैक्टिबल नहीं है और आपको स्पीड बढ़ाना ही है, और यदि वो प्लगइन आपके उतने काम का नहीं है तो आप उसे हटा सकते हैं। देखिए, फास्टेस्ट कैश ये कॉम्पैक्टिबल है, योस्ट SEO ये भी कॉम्पैक्टिबल है। तो फिलहाल ये सारे कॉम्पैक्टिबल हैं। अब हम चलते हैं, इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं या ऐसे इग्नोर भी कर सकते हैं ये वाले एरर को। अब हम चलते हैं सी पैनल में और वहाँ से देखते हैं कि कैसे चेंज करें। ये देखिए, हम सी पैनल में आ चुके हैं और यहाँ पे ये जो सॉफ्टवेयर वाला दिया हुआ है हेडिंग, इसके अंडर यहाँ पे है सेलेक्ट PHP वर्जन, इस पर हम क्लिक करेंगे। और यहाँ पे मैंने करंट PHP वर्जन अपना पहले से चेंज किया हुआ है 7.1 के लिए। अभी यहाँ से यदि आपका मोस्टली में जो होता है बाय डिफॉल्ट 5.4 या 5.5 लगा होता है, अब यहाँ से अपना चेंज कर सकते हैं 7.1 या जो भी आप चेंज करना चाहें, एंड क्लिक कीजिए सेट एज करंट पे, तो ये आपका जो PHP वर्जन है ये चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और उम्मीद है कि आपको शायद थोड़ी मदद तो ज़रूर मिली होगी इससे। और यदि कोई भी इस प्रकार की आपको समस्या है, या वर्डप्रेस में कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है, एड्स लगाना है या थीम इंस्टॉल करने में, या कुछ भी समस्या कोई भी आपको आ रही है वर्डप्रेस में, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बनाने की, आपके कमेंट को ज़रूर मैं रिप्लाई करूंगा। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, और हो सकता है ये वीडियो मेरा खास उतना अच्छा ना हो, पर आगे जितने भी मैं वीडियो बनाऊंगा मैं कोशिश करूंगा कि मैं और अच्छा बनाऊं। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मैं आगे और अच्छे वीडियो बना सकूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।